गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड ग्रीन सॉल्वेंट्स फर्स्ट पार्ट ए सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट CO2 सॉल्वेंट एज अ ग्रीन सॉल्वेंट ओके स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट सेकेंड सॉल्वेंट ग्रीन सॉल्वेंट इज आयोनिक लिक्विड वट इज आयोनिक लिक्विड स्टूडेंट्स आयोनिक लिक्विड्स इज अ सॉल्ट आयोनिक लिक्विड इज अ सॉल्ट इन द लिक्विड स्टेट इन द लिक्विड स्टेट देखिए स्टूडेंट्स जो आयोनिक लिक्विड्स होते हैं वो नॉर्मल सॉल्ट्स की तरह सॉल्ट होते हैं कैटायन एंड एनायन से मिलकर बने होते हैं बट मेन पॉइंट सबसे स्पेशल बात कि वो लिक्विड स्टेट में होते हैं आयन्स होते हैं प्लस एंड माइनस कैटायन एंड एनायन्स बट वो लिक्विड स्टेट में होते हैं आपको मालूम है कि जो हमारे नॉर्मल सिंपल आयन्स है जैसे कि NaCl एंड अदर आयन्स जो आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं वो सब क्या सॉलिड स्टेट में होते हैं कैटायन एंड एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं बट दीज आयनिक सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एंड ऑल्सो कॉल्ड मोल्टन सॉल्ट्स मोल्टन सॉल्ट्स मतलब जो मेल्ट रहते हैं मोल्टन सॉल्ट्स कहलाते हैं इनको मोल्टन सॉल्ट्स बोलते हैं इनको नॉन एक्वस आयनिक सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं नॉन एक्वस मीन्स कि हमें इन सॉल्ट्स को पानी में वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाने की नीड नहीं होती ये ऑटोमेटिकली लिक्विड स्टेट में होते हैं तो हम इसको नॉन एक्वस आयनिक सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं ग्रीन सॉल्वेंट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है हम अपने ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स की जगह इनको रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे ही इसकी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रीन फेवर्ड होती है जो टॉक्सिक प्रोड्यूस नहीं करती है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं तो आइए स्टूडेंट्स हम आयनिक लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करते हैं आयोनिक लिक्विड्स आर मोल्टन सॉल्ट्स मोल्टन सॉल्ट्स मीन्स मोल्टन मेल्ट रहते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रहता है कम रहता है और इसीलिए इसे मोल्टन सॉल्ट्स भी बोलते हैं सेमी ऑर्गेनिक दी सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट इन मिड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनके करेक्टरिस्टिक्स जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना पूरी तरह इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मैच करती हैं ना पूरी तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मैच करती है इसीलिए हमने इनकी ये कैटेगरी कर दी कि दीज आयोनिक लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ सेमी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं एप्रिशिएबल लिक्विड रेंज होती है इनकी रूम टेम्परेचर आयोनिक लिक्विड जो होता है बिलो रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उससे बिलो रहता है इनका इसीलिए हम इसे रूम टेम्परेचर आयोनिक लिक्विड कहते हैं जनरली स्टूडेंट्स जो हमारे आयोनिक लिक्विड्स होते हैं उनमें केटायंस जो होते हैं वो कॉमन केटायंस इमिडियोनियम जो होता है अमोनियम सॉल्ट्स डेरिवेटिव होते हैं जनरली ये जो होते हैं अमोनियम डेरिवेटिव सल्फोनियम डेरिवेटिव्स केटायंस होते हैं ओके स्टूडेंट्स एंड एनायंस होते हैं हेलाइड्स SCN BF4 PF6 CF3 CO एसीटेट ग्रुप्स जो होता है वो इनके एनायंस होते हैं कैटायंस और एनायंस दोनों इन्हीं मतलब मोस्टली यही एग्जांपल्स जो होते हैं आयनिक लिक्विड्स में होते हैं मोस्टली कैटायंस अमोडोजोनियम डेरिवेटिव्स होते हैं ओके स्टूडेंट्स अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनका फर्स्ट आयोनिक लिक्विड इथाइल अमोनियम नाइट्रेट था जो कि प्रिपेयर किया गया था इथाइल अमोनियम नाइट्रेट जिसका मेल्टिंग पॉइंट ओनली 12 डिग्री सेंटीग्रेड था व्हाई आर आयोनिक लिक्विड्स कॉल्ड लिक्विड्स क्यों आयनिक नेचर होने के बावजूद ये सॉलिड स्टेट में नहीं होते ये लिक्विड स्टेट में होते क्या रीजन है क्योंकि जनरली जो हमारे आयन्स होते हैं NaCl CaSO4 जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं हमारे CaCl2 क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं पैक्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्मेशन सॉलिड स्टेट में होते हैं बट हमारे जो आयोनिक लिक्विड्स हैं इनमें भी आयन्स होते हैं बट ये लिक्विड स्टेट में होते हैं इसका क्या रीजन है सी स्टूडेंट्स देखिए ये NaCl है यहाँ पे हमारे पास NaCl जो है मैंने क्या शो किया हुआ है कि यहाँ पे ये एक कॉम्पैक्ट है ये पैक्ड है इनका इनके बीच में एक हाई अट्रैक्शन हाई वैन डेर वाल्स फोर्स लगते हैं जिनके कारण ये बहुत
अच्छे से पैक्ड रहते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, जिनका मेल्ट और जिसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए इनका हाई होता है 803 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये क्रिस्टल्स होते हैं इनके बीच में इतने सारे अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, एंड दैट्स वाई दीज आयनिक सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे शो किया है अपना आयनिक लिक्विड सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट इनमें ये लिक्विड्स क्यों होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो कैटायन और एनायन, अभी मैंने आपको कैटायन्स बताए थे, जो कैटायन्स होते हैं इमिडाजोनियम जो कैटायन्स होते हैं ये हमारे लॉन्ग चेन्ड होते हैं। एक तो इनकी स्ट्रक्चर लार्ज होती है, स्ट्रक्चर इनमें एल्काइल्स ग्रुप होते हैं, तो ये लॉन्ग कार्बन चेन्ड होते हैं जिसके इनका साइज काफी लार्ज हो जाता है बजाय के एनायंस के। तो एनायंस और कैटायंस के बीच में, एनायंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, काफी लो भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, और काफी इनका साइज चेंज हो सकता है, लेकिन जो कैटायंस होते हैं वो ऑलवेज लॉन्ग चेन्ड होते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन्ड होते हैं। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनायन एंड कैटायन साइज दे चेंज आयनिक करेक्टर्स ऑफ आयोनिक लिक्विड सॉल्ट्स, और इसी साइज डिफरेंस के कारण से ये क्या करते हैं, आयनिक जो सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं एंड प्रिवेंट द पैकिंग ऑफ द कैटायंस और एनायंस इनटू अ क्रिस्टल लैटिस। यही वजह है कि ये इनके बीच में पैकिंग नहीं होती और ये सॉलिड स्टेट में नहीं आ पाते और लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ट्रेडिशनल सॉल्ट्स लाइक NaCl आर एबल टू इफिशियंसली पैक टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस व्हेन आयोनिक लिक्विड्स द कैटायंस आर असिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट लेंथ ग्रुप्स टू प्रिवेंट द पैकिंग ऑफ द कैटायंस और एनायंस इनटू अ क्रिस्टल लैटिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुकिंग एट फीचर्स ऑफ आयोनिक लिक्विड्स, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, क्या फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, वेरी लो वेपर प्रेशर, इन ये वोलेटाइल होते हैं, आयनिक लिक्विड्स वोलेटाइल रहते हैं, एंड अगर हम इसे रूम में ओपनली ही भी छोड़ दें, ओपनली छोड़ने पर भी इनका वेपर प्रेशर काफी लो होता है। तो दिस इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स कि हम इसको एज अ ग्रीन सॉल्वेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इनका जो बॉयलिंग पॉइंट्स होते हैं काफी हाई होते हैं, 250 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज के होते हैं, तो थर्मल स्टेबल होते हैं, तो इनके बॉयलिंग पॉइंट, ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है यूजिंग एज अ ग्रीन सॉल्वेंट। वेरिएबल विस्कोसिटी, इनकी जो विस्कोसिटी होती है, देखिए स्टूडेंट्स, जो आयनिक लिक्विड्स होते हैं इनकी विस्कोसिटी वेरिएबल होती है, लार्ज भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, बट जनरली जो हमारे ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स होते हैं उन ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स की जगह इनकी विस्कोसिटी ऑलवेज हाई होती है, उनसे ज्यादा ही होती है इनकी, बट हाँ उनसे हमेशा ज्यादा होगी, बट खुद इनके जितने भी वेराइटी हैं उनमें वेरिएबल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज आयनिक लिक्विड्स आर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, इधर हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं, कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग मल्टीपल सॉल्यूशन इंट्रैक्शन, मल्टीपल सॉल्यूशन इंट्रैक्शंस के लिए कैपेबल होते हैं, जो अगर हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो ये जो सॉल्यूशन इंट्रैक्शंस होती हैं इनके लिए काफी कैपेबल रहते हैं, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन फ्लेमेबल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली स्टेबल होते हैं, इजीली सेपरेबल होते हैं, इजीली इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। Now, application of ionic liquids. Students, they have been vastly used in different processes including electrochemical devices and electrolytes, separation and extraction chemistry, separation chemistry, जैसे कि हम जितने भी natural products को separate करते हैं, जितनी भी हम organic synthesis हैं उनमें products को separation करते हैं, तो इनका इनके through इन solvents से बहुत easily और बहुत अच्छी yield में हमारा separation separate out हो जाता है, product yield जो होती है, can replace the traditional ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन केमिस्ट्री, बहुत अच्छे से हम ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की जगह इनको रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम जितनी भी हमने ओल्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, फेमस ऑर्गेनिक सिंथेसिस करवा रखी है, उनमें अगर हम
सॉल्वेंट्स को आयोनिक लिक्विड से रिप्लेस करते तो हमें उनकी बजाय बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बेटर यील्ड मिलेगी, और इसके कारण से बहुत अच्छे से हम कभी भी कैसे भी कोई भी हम अगर ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हैं, हम किसी भी आयनिक लिक्विड से ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड कैटालिटिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं ये, अगर हम इसे एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ये रिएक्शन की रेट को, केमिकल रिएक्शन रेट को काफी अच्छे से एनहांस कर देते हैं लाइक अ कैटलिस्ट। दैट्स वाई कैटलिस्ट केमिस्ट्री में भी एक मार्वेलस रोल है इनका। ये थे स्टूडेंट्स आयोनिक लिक्विड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशंस, एंड थर्ड अल्टरनेटिव जो सॉल्वेंट्स हैं ग्रीन सॉल्वेंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।